मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में गौ हत्या करते हुए एक परिवार रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपियों के नाम खुर्शीद अनवर 60 वर्ष, उसकी बेटी शहाना, बहू रिजवाना और बेटा शामिल है। पुलिस ने चार आरोपियों खुर्शीद, शहाना और रिजवाना को हिरासत में ले लिया है, वहीं बेटा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाय का सिर, चारों पैर और दूसरे अंगों को जब्त कर लिया है। मनिंद्रगढ़ थाना प्रभारी सचिन सिंह ने बताया कि मुस्लिम कब्रिस्तान मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला परिवार जिस हथियार से गाय को काट रहा था उसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है। इधर गौ रक्षा वाहिनी और सर्व हिंदू संगठन ने घटना के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोपी परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। यह परिवार पिछले 2-3 सालों से यहाँ रह रहा है। पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं से गाय लेकर आते थे, उसे घर के बाहर 2-3 दिनों तक बांध कर रखते थे, लेकिन उसके बाद गाय का कुछ पता नहीं चलता था। अभी 2 दिन पहले भी एक गाय ये लोग लेकर आए थे, लेकिन आज सुबह से ही वो दिखाई नहीं दे रही थी। मामला क्या कर रही है? थाना का मनिंद्रगढ़ में सूचना मिली कि कब्रिस्तान के पीछे कोई व्यक्ति जो है गौ पशु की हत्या कर मांस इकट्ठा कर रहा है। तत्काल जाके दबिश दी गई। मौके पर एक व्यक्ति खुर्शीद आलम और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया गया। पशु चिकित्सक को बुलाया गया, मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई और दोनों के सभी के विरुद्ध जो है 295A, 429 IPC तथा छत्तीसगढ़ पशु कृषि निवारक अधिनियम धारा 4, 5 और 10 के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय न्यायिक हवाले पेश किया गया। एक सर, इसमें बात आ रही है कि जिस तरह से घर में ही काटते हुए मिले हैं, क्योंकि इसकी खपत जो है मनिंद्रगढ़ में ही हो रही थी, कुछ पूछताछ में बात सामने आई है। अभी मामला विवेचनाधीन है, इस संबंध में जानकारी आने पर विजिट करवाई। आने आए हुए किस तरह की शिकायत लेके आए, क्या हुआ? आज सुबह 11:30 के आसपास फोन के माध्यम से सूचना हमें मिली कि वार्ड नंबर 4 कब्रिस्तान के पीछे एक घर में गैया काटी जा रही है। मैं अपने साथियों 10-15 लोगों को लेके वहां पहुंचा, वहां पे जांच पड़ताल किया, पूछने पे पता चला कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मगर हम लोगों को शक हुआ। तो हम लोगों ने पीछे से जब देखा तो वहां पे खुर्शीद आलम और उसका लड़का गैया का मुंडी लेके भाग रहा था, जिसको हमारे लड़कों ने दौड़ाया और पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने थाने में टेलीफोन के माध्यम से जानकारी दी, फिर TI साहब आए, उसके बाद उनको उनके दूसरे घर में घुस के हम लोगों ने जांच पड़ताल किया। तो वहां पे कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल तक का गैया का बछड़े का मांस रखा हुआ था और वो पूरा मतलब वो पूरा परिवार ही उस कृत्य में शामिल है, गौ हत्या में। और हमें संभावना यह है कि वो मांस वो अकेले नहीं खा, मतलब अकेले के लिए नहीं है, वो दुकानों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसा हम लोग की शंका है। इसलिए हम लोगों ने थाने में घेराव किया है। और किस तरह की मांग करते हैं? हम मांग करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये माल कहाँ जा रहा है, ये जानकारी मिले और इनकी जमानत ना हो। मनिंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट।